मनारा ने अपनी मम्मी की कसम खा दी और तो और खानजादी ने वहां पर अपना उल्लू सीधा करने की भी कोशिश की। अब सब चीजें सामने आ चुकी है। अब जो जो अनुराग है, जो कि बाबू भैया है, उसने ये चीज़ बोल दी है कि विक्की और अंकिता को नॉमिनेट करने के लिए मनारा ने बोला था कि वो नॉमिनेट करें, तो क्योंकि इसकी उनके साथ बनती नहीं है तो भाई मैं क्यों नॉमिनेट करूं। पर मनारा का कहना ये है कि भाई मैंने ये बात बोली नहीं है, मेरी मम्मी की कसम, मैं विक्की भाई के बारे में एक बार बोल भी सकती हूँ, पर उसके ऊपर आ गई अंकिता कि विक्की के साथ तो तेरी अच्छी इक्वेशन है ना, मेरे साथ नहीं है, मेरी तो बुराइयाँ करती है पर मेरे बारे में नहीं बोलती है तू, ऐसा सब चीज़ें कैसे हो सकता है। जहाँ पर इसी में जो है अंकिता ये भी बात बोलती है कि ये विक्की के साथ अच्छी रहती है और मेरे साथ इतना सब चीज़ें करती है, ऐसा लगता है कि ये हम दोनों को अलग करना चाहती है, यानी कि मनारा अलग करना चाहती है। खानजादी उसी बीच में कूद पड़ती है और खानजादी बोलती है कि ये ऐसी ही है, ये चिंटू के बारे में बुराइयाँ करती है, ये ईशा के बारे में बुराइयाँ करती है, ये सना के बारे में बुराइयाँ करती है, ये सब लोगों के बारे में बुराइयाँ करती है, ये किसी भी बंदे को नहीं छोड़ती, ये अपने दोस्त के बारे में भी बुराइयाँ करती है, अनुराग के बारे में भी बुराइयाँ करती है, मुनावर के बारे में भी बुराइयां करती है। ये सब चीजें जो है खानजादी ने अब बोल दी है, जहां पर काफी ज्यादा सहमी बैठी हुई है जो मनारा है। मनारा का रोना तक निकल गया है क्योंकि वो इस जंजाल से निकल नहीं पा रही, क्योंकि मनारा ने ये जंजाल खुद के ऊपर परोया है और खुद अंदर फंस चुकी है। और तो और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है सना ने कि भाई जब तू मुझे बोलती है कि विक्की के साथ बात मत कर, ठीक है, तो विक्की के साथ बात नहीं करूं तो वो मेरा है, तेरा इक्वेशन सही है और तू बोलती है विक्की को नॉमिनेट करना, पर फिर भी तू उनके साथ बात करती है, अगर हम लोग बात करते हैं तो तेरे को जलसी क्यों होती है, तू क्यों बोलती है कि तुम लोग बात मत करो, अगर तुम बात कर सकती हो तो हम भी बात कर सकते हैं, तो उसके लिए तुम क्यों रोकती हो, उसके लिए तुम क्यों नाराज़ होती हो। काफ़ी सारी पोल जो है मनारा की खुल चुकी है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मनारा किस तरीके से इस चीज़ से निकलेगी ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मनारा बहुत ज़्यादा टूटने वाली है, पर एक बात है, सब सच्चाई ही सामने आ रही है, कोई झूठापन सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मनारा ने ऐसी चीज़ें की है और इसके बारे में मैं खुद आप लोगों को बताती रहती हूँ और मुझे भी इस चीज़ से प्रॉब्लम है मनारा की, ये सब चीज़ें करती है। मनारा अच्छी लड़की है पर जो बैक बिचिंग करती है हर किसी के बारे में, तो वो दोगलापन लगता है और वो जो है ना लॉयल फ्रेंडशिप नहीं लगती, वो हर किसी के साथ ऐसी ही है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।